नमस्कार, JNI न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का अग्रवाल। कन्हई प्रतापगढ़ से बड़ी खबर, विवाहिता की आग से झुलसकर मौत, ससुराल जनों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का लगा आरोप। अतुल कुमार के साथ सुषमा देवी की शादी 5 महीने पहले हुई थी। दानव रूपी दहेज समाज का पीछा नहीं छोड़ रहा। आज फिर एक नवविवाहिता दानव रूपी दहेज की बेदी का शिकार हुई। दानव रूपी दहेज ने समाज को ऐसे चंगुल में फंसाया है जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, और अगर है भी तो सीधे मौत के मुंह में जाने का रास्ता। आपको बता दें, कन्हई थाना क्षेत्र अंतर्गत नारायणपुर के अतुल कुमार पुत्र केशव प्रसाद की शादी सुषमा पुत्री राम आश्रय निवासी गाँव भीवनी थाना पट्टी के साथ 11 मई 2021 को हुई थी। सुषमा के पति व उसकी सास उसको आए दिन एक ही बात को लेकर टोकती रहती थी कि आपके पिता ने हमें अभी 1 लाख व 1 गाड़ी नहीं दी है, और उनके पति अतुल भी आए दिन अपनी मां की ही पक्ष लेकर एक ही बात का ताना मारते रहते थे, जिससे वह तंग आकर आज अपने आप को दानव रूपी दहेज के आगे बेबस होकर आग के हवाले कर दिया। घटना आज सुबह 11:30 बजे की है। परिजनों का कहना है कि घटना की सूचना हमें गाँव के किसी व्यक्ति द्वारा मिली। परिजनों ने कन्हई थाने पर ससुराल पक्ष के लोगों पर आरोप लगाते हुए लिखित तहरीर दी है और न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तहरीर के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है। आइए देखते हैं प्रतापगढ़ से अब्दुल अतीक के साथ कैमरामैन मोहम्मद हफीज की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? राम आश्रय। कहाँ मकान पड़ता है आपका? यूनी थाना, थाना पट्टी। क्या घटना हुई है? घटना जो है, हमारी लड़की शादी जो है 11 मई को हुआ था नारायणपुर में। किसके साथ है? अतुल कुमार के साथ। अतुल कुमार के पिताजी क्या नाम है? उनका नाम है केशव प्रसाद। ये नारायणपुर कौन से थाने में आता है? कन्हई थाने में। अच्छा, तो क्या हुआ वहाँ सर? जो है उसके आपकी मई महीने में शादी किया था, उसको गाड़ी ना देने के नाते चैन उठी दिए थे, गाड़ी ना देने के नाते उसको प्रताड़ित करते थे गाड़ी और पैसे के लिए। कितने दिनों से प्रताड़ित कर रहे हैं सर? जो है लगभग शादी होने के बाद। तो फिर आज क्या घटना हुई? आज घटना हुई कि उसको, हमें तो मालूम नहीं, दूसरे के माध्यम से पता चला है कि जो है कि उसको जला दिया गया है। अभी आपने अपनी बेटी को देखा? अभी तक नहीं देखा हूँ। अच्छा, तो उसकी मृत्यु हो गई? उसकी मृत्यु हो गई है। तभी आप थाने पे आए? जी। अभी लेकिन आपने अभी तक नहीं देखा? अभी तक नहीं देखा। थाने पे तहरीर दी है कि नहीं? अभी थाने पे तहरीर लेके जा रहा हूँ। क्या नाम बताया था आपने? रामा। यहाँ कहाँ है?